हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का अंशु इंडियन यूट्यूबर चैनल पर स्वागत है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, चाय बना रही हूँ। चाय बन के रेडी हो गई है और साइड में रखी हूँ दूध। दूध भी गर्म हो गया है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और फैमिली एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए, मैं जा रही हूँ चाय पीने, आप भी आ जाइए, साथ में पियेंगे चाय। किचन में बनाने जा रही हूँ करेले की सब्जी। तो करेला देखिए, मैं वैसा राउंड राउंड नहीं कट करी हूँ, इस तरह से चॉपर में करी हूँ मैं इसको क्रश। तो देखिए, जितना करेला है प्याज भी उतनी ही है। तो मैं कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, तेल गरम हो रहा है। और करेला मैं आज मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। तो मैं इसमें मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी तड़का, डायरेक्ट ये करेला और ओनियन भी डालूंगी, और वो भी अलग अलग नहीं, साथ में ही डालूंगी मैं। और नमक बस, दूसरा कुछ भी नहीं। तेल गरम हो गया है। इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा चटकने लगा है, अभी मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। प्याज को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, साथ में ये भी डाल दूंगी मैं। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अगर आपके पास नहीं है तो कैरी आती है ना, कैरी को भी आप बारीक बारीक टुकड़े में कट करके डाल सकते हैं। ये मेरे पास ये आमचूर है, ये कैरी का ही टुकड़ा होता है, गांव में हमारे बनाते हैं ऐसा। तो मैं इसको डाल दूंगी इसमें, इससे पूरा कड़वापन निकल जाता है करेले का, बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। देखिए इतना सा है, मैं इसको इसमें डाल दूंगी। इसको ढक के रख देना है एकदम लो फ्लेम पे, क्योंकि इसको पकने को टाइम जाता है, कम से कम 15 मिनट जाएगा, और लो फ्लेम पे ही पकाना है तो ये अच्छे से होता है। तो मैं इसको ढक दूंगी। सब्जी हो रही है और दाल रख दी थी पहले, दाल पक गई है। अभी दाल में तड़का लगाऊंगी मैं, और आटा भी गूंथ के रख ली हूँ। रोटी थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी, तब तक कपड़े भी डाली हूँ मशीन में, वो हो जाएगा, उसको सुखा लूँगी मैं। करेले की सब्जी मुझे पहले बिल्कुल नहीं पसंद थी, लेकिन जब से इस तरह से बनाने लगी हूँ अच्छा लगता है।
और अभी तो सीजन है, करी मिलती है, करी का छोटा छोटा टुकड़ा करके डालेंगे उसमें तो और भी टेस्टी बनता है। और दाल में मैं छौंक लगा दी हूँ। और अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया। आज ये दोनों लोग सब्जी खाएंगे नहीं, अदिति और आरुष। बच्चों को कहाँ करेला पसंद आता है, हम बड़े लोग के लिए भी ठीक है। आरुष बोल रहे हैं मैं खाऊंगा, देखती हूँ। बिल्कुल नहीं खाएंगे, जब बनता है ऐसे ही बोलते हैं, खाने के टाइम पे नहीं खाते। और ये मैं फिर से दाल बनाई हूँ ये रात के डिनर के लिए। अभी टाइम हो रहा है 8:30। अरे मैं आटा गूंथ के रखी हूँ और मैं बनाने वाली हूँ आज डिनर में दाल ढोकली। आदि और आरुष के लिए तो नया है, क्योंकि ये लोग को पता नहीं है, मैं बहुत दिन से बनाई नहीं हूँ। एक्चुअली इनको नहीं पसंद है, बोलते हैं कि मुझे नहीं अच्छा लगता, आटे आटे के जैसा लगता है खाता हूँ। फिर मैं आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं सोची बना लूँ, तो अभी तो ये लोग देख के बहुत खुश हो रहे हैं, अदिति और आरुष। बाद में देखते खाते नहीं खाते। तो दाल बना ली थी कुकर में, फिर इसमें डाल के मैं पका रही हूँ और ये दाल ढोकली बना के इसमें डाल रही हूँ। ये पक जाएगा तो बाद में मैं इसमें तड़का लगाऊँगी। मेरे बाबूजी हैं, उनको बहुत पसंद है, वो सुने कि मैं दाल ढोकली बना रही हूँ तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि ये इनको पसंद नहीं है, इसके लिए जल्दी बनाने का फिर मन भी नहीं करता है, ये बनाओ फिर कुछ और बनाओ। मुझे तो बहुत पसंद है, आज देखती हूँ आदि आरुष खाते हैं कि नहीं, उनको पसंद आता है कि नहीं। और मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ, अब तड़का मस्टर्ड ऑयल से लगा रही हूँ इसमें, और बाद में मैं थोड़ा सा घी भी ऐड करूँगी। लहसुन, लाल मिर्च, राई और जीरे का तड़का लगा रही हूँ। आज का यही है सिंपल सा डिनर। देखिए एमएमए दाल ढोकली बन के रेडी है। ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।